रहीम, आज हम बनाएंगे आलू कीमा। आलू कीमा बनाने के लिए हम इसमें 1 कप ऑयल लेंगे। सबसे पहले अब हमने 3 मोटे प्याज ले लिए हैं और उनको मोटा मोटा कट कर लिया है। अब हम इस ऑयल के अंदर अपने प्याज़ों को डाल देंगे और पिंक होने तक फ्राई करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्याज है वो पिंक होना शुरू हो गया है, इस साइड से थोड़ा थोड़ा रेड हो रहा है। अरे कोई बात नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से पिंक कर लीजिए। हम इसको कवर कर देंगे ताकि सारे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट होकर पिंक हो जाए। वैसे तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, पर अभी सारे जो हैं वो पिंक नहीं हुए हैं। तो हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये सारे जो हैं ये पिंक हो जाएं। अब हम इसके अंदर कीमा डाल देंगे। हमने जो घर सारा कीमा है उसको मैं डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 1 मोटी इलायची डालेंगे, 2 दालचीनी, 4-5 लौंग और हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ले ली थी, अब हम वो इसके अंदर डाल देंगे। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1/2 चम्मच हम दादर मिर्च डालेंगे और हम 1 पूरा चम्मच मेथी डालेंगे सूखी मेथी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हम आलू कीमा बना रहे हैं अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके अंदर अब हम 1-2 टमाटरों की हमने पेस्ट बना ली है, अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से सही तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और कीमे को बनने के लिए रख देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और थोड़ी देर बाद आके देखेंगे। अब हमने 3 आलू ले लिए थे छोटे और उनको कट कर लिया था, अब हमने वो डाल दिए हैं। अब आप इनको कीमे के साथ नरम होने दीजिए। मेरा आलू कीमा बन रहा है। अब हम इसको हल्की आंच पर रख कर इसका कवर कर देंगे ऊपर से। अभी ये बन रहा है, अभी हम इसके पानी को खुश्क होने तक पकाएंगे इसको सही तरह से। जैसे कि देख सकते हैं जो हमारा सालन है उसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमने 1 शिमला मिर्च जो थी छोटी वो काट ली है, अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि शिमला मिर्च की खुशबू और शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर धनिया, हमने थोड़ा सा धनिया ले लिया था, अब हमने अपना धनिया भी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, जैसे कि देख सकते हैं कि हमने धनिया और शिमला मिर्च डाल दी है। अब हम इसको दम पर रख देंगे, कवर कर दीजिए और 15 मिनट बाद आकर देखिए।
हमारा आलू की मां तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।